अस्सलामुअलैकुम, आज हम प्लाज़ो की डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन इतनी खूबसूरत है कि हम इसमें पैंट में भी बना सकते हैं, स्लीव्स में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये हमारी जितनी लंबाई चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से रखेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये देखो ये सीधी साइड है, तो हमें ये इस तरह से सबसे पहले इसको इस तरह से रख कर यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। देखो ये रफ हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से ये देखो दो पीस दो तरह के मैंने ये पीसेस ली हूँ। ये देखो ये मैंने ली हूँ 2x2 इंच और ये मैंने ली हूँ 2.5 इंच और ये इस तरह से भी 2.5 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से 1x2 इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरे को भी इस तरह से यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ये देखें, और इसे थोड़ा सा नीचे रखकर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। बाकी ये जो सारे पीसेस हैं इसे भी इस तरह से 1 और इसे भी इसी तरह से रखेंगे। इसके यहाँ पे रखकर पूरी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से रखने के बाद ये इसे इस तरह से रखेंगे कंप्लीट। इसी तरह से ये सारे रेडी करेंगे। इस तरह से हमने पूरी तरह से सिल लिए हैं। अब जो ये हमने बॉटम बनाए हैं, ये देखो इस तरह से, ये हमने जो 2.5 इंच पे यहाँ पे जो निशान लगाए थे, ये देखो इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और जो ये हमने बनाए हैं, सबसे पहले हम ये जो निशान है उसके हिसाब से इतना फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो ऊपर स्टिचिंग करेंगे उसके अंदर ये इस तरह से रखेंगे। इस तरह से ये पूरी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरी स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके इसकी जो फिटिंग है हमारी प्लाजो की, यहाँ से हम पूरा इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई कर लिए हैं। अब इसे हम सीधा करेंगे इस तरह से। ये हमने सीधा कर लिए हैं, ये देखें इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे हम इस तरह से मोती लगाएंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे, तो इस तरह से ये हम सब में मोतियाँ लगाएंगे। ये देखो इस तरह से ये मेरे पास मोती अवेलेबल है। अगर आपके पास छोटी बड़ी या कोई भी हो, दूसरी भी लगा सकते हैं। ये देखो ये इस तरह का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले ये देखो इस तरह से ये सुई में धागा रख लेंगे और इसे इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक लॉक लगा देंगे ताकि ये जो हमारी है मोती गिरे नहीं। इस तरह से ये हमारा लॉक हो गया। अब इस तरह से मोती रखकर यहाँ से इस तरह से करेंगे और इसे भी इस तरह से फोल्ड करके फिर यहाँ इसे निकालेंगे। इसे निकालने से पहले नीचे भी हम इस तरह से लॉक लगा देंगे। इस तरह से, इसी तरीके से सारे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से हम सबको इसी तरह से फोल्ड करके हम लगाएंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने पूरा ये रेडी कर लिए हैं। ये देखो यहाँ से, ये देखो इस तरह से
ये हमारा दोनों बॉटम रेडी हो गया है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ख़ूबसूरत भी है। शुक्रिया।